तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 8 फैक्ट के बारे में जिनसे सुनकर आपको अपने इंडियन होने पर गर्व महसूस होगा। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में मज़ा भी आता है। तो अगर भाई इंटरेस्ट नहीं होगा वीडियो बनाने में तो कैसे वीडियो अच्छी बनेगी यार। तो भाई सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में बेल आइकन का ऑप्शन आएगा उसे प्रेस जरूर कर लीजिएगा हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए। तो बात करते हैं अपने आज के पहले फैक्ट के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो फैक्ट नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल, जी हाँ दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल हमारे इंडिया में लखनऊ में है, जहाँ 45 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल का नाम सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है। तो बात करते हैं गाइस अपने फैक्ट नंबर 2 के बारे में। तो हाँ गाइस, जो हमारा डेली यूज़ में आने वाले शैम्पूस होते हैं इनको भी इंडिया ने ही फाउंड किया था। तो भाई थोड़ा प्राउड महसूस आपको हो रहा होगा, आई नो। तो चलिए बात करते हैं अपने भाई फैक्ट नंबर 3 के बारे में। तो फैक्ट नंबर 3 हमारा बताता है गाइस कि डायमंड्स जो होते हैं जिनकी कीमत दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है वो भी इंडिया में फाउंड किए गए थे। 1986 में इंडिया इकलौता देश था जिसके पास डायमंड्स थे। तो चलिए आज के फैक्ट नंबर 4 के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो भाई फैक्ट नंबर 4 हमारा बताता है कि इंडिया एक ऐसा लौता देश है जिसने कभी किसी देश पे आज तक अटैक नहीं किया। सो गाइस प्राउड टू बी एन इंडियन। तो चलिए जान लेते हैं फैक्ट नंबर 5 के बारे में। तो भाई फैक्ट नंबर 5 कहता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिद हमारे इंडिया में है, अक्रॉस द 3 लाख मस्जिद। जी गाइस, दुनिया की सबसे ज़्यादा मस्जिद हमारे इंडियंस में है। तो फैक्ट नंबर 6 के बारे में बात करते हैं गाइस। तो फैक्ट नंबर 6 हमें बताता है कि मून पे वाटर का फाउंड भी इंडिया ने ही किया था। जी हाँ गाइस। तो चलिए फैक्ट नंबर 7 के बारे में जान लेते हैं। भाई फैक्ट नंबर 7 हमको बताता है कि प्लास्टिक सर्जरी जो क्रिमिनल्स यूज करते हैं, आपने ज़्यादातर देखा होगा या फिर कुछ अच्छे लोग भी करते हैं, उसको भी इंडिया ने ही फाउंड किया था। फैक्ट नंबर 8 के बारे में जान लेते हैं। तो भाई फैक्ट नंबर 8 हमें बताता है जो मिल्क हम अपनी डेली यूज़ में लेते हैं इसका फाउंडर भी इंडिया ही है। हाँ गाइस, और सबसे ज़्यादा फाउंडेशन भी इंडिया में ही की जाती है। तो प्राउड टू बी एन इंडियन गाइस। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो। वीडियो में इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो गाइस, वाह वाई, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।